वेलकम गाइज, जीके एम्सक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एम्सक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत विज्ञान के फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में आपको देखो सारा, आपको जितने भी वीडियो है अगर कोई मिस कर रखा है तो उसको देख लेना चैनल पर जाके। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का प्रयत्न करें, ठीक है ना। तो रोजाना वीडियो आपको नॉन स्टॉप मिल ही रहा है डेली, और नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या हम बढ़ाने को कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दे पाए। लाइक मिलते रहेंगे जब तक, तो हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा और हमको भी अंदर से विश्वास आएगा कि हाँ और ज़्यादा वीडियो हमको प्रोवाइड करवानी चाहिए स्टूडेंट्स को। सो लेट मी चेक, आपने चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी, ठीक है। यानी कि इसको प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, बाकी जल, प्लास्टिक, कांच को किया जा सकता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अन्य। पढ़ रखा है आपने, सबकी पता होनी चाहिए, उत्तल के साथ अवतल की भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो पहले तो आप सोच लिया करो कि हाँ ये होगा, उसके बाद हम आंसर तो हम आपको बताएंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका हम नहीं बताएंगे, हर एक का बताएंगे ऑल क्वेश्चन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धनात्मक, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, मीटर उसका है डायोप्टर, अन्य। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है इसका कारण है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है इसका कारण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अपवर्तन के कारण। अपवर्तन से काफ़ी सारी घटनाएं होती है, जैसे कि सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना पानी में, है ना। और भी घटनाएं होती है क्योंकि प्रकाश की चाल बदल जाती है माध्यम के अनुसार। अगला क्वेश्चन, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है इसका कारण है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है इसका कारण है, बताना है आपको। परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फोकस, ध्रुव, द्वारक, इनमें से कोई नहीं, बताइए। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका द्वारक, ठीक है, क्या कहा जाता है? द्वारक। अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण, बिल्कुल। सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, और रंग कौन सा होता है उस जो टूल्स होता है उसका? ब्लैक रंग होता है, ताकि अधिक हीट मिल सके। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण यूज करता है, बताओ। साइंस छिपा हुआ है उसके पीछे। देखो डॉक्टर को कान, नाक, गले की जांच करनी है तो उसको थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, तो ऐसा कौन सा दर्पण है जो बड़ा दिखा सके अंतरिक्ष संरचना को? आ गया होगा आपको, तो लेट मी चेक, अवतल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डायमंड यानी कि हीरा का अपवर्तनांक है 1.77, 1.47, 1.44 या फिर 2.42। हीरे का अपवर्तनांक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2
2.42 ठीक है, हीरे का अपूर्णांक। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अन्य। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, देखा होगा आपने भी गाड़ी ड्राइव की होगी तो सामने जो दर्पण महसूस भी किया होगा कि कौन सा है ना, राइट ऑप्शन उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या दिखाता है, एरिया ज़्यादा दिखाता है, यानी कि चीज़ें तो आपको छोटी दिखाई देगी लेकिन बहुत सारा एरिया उसमें देख सकते हो आप, इसलिए उत्तल दर्पण उसमें यूज किया जाता है। करेक्ट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज, संसरप्त प्रकाश पुंज, अपसरप्त प्रकाश पुंज, सभी कथन सत्य है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका संसरप्त प्रकाश पुंज। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, आयरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलरी पेशियों द्वारा, कॉर्निया द्वारा, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिलरी पेशियों द्वारा, ठीक है, सिलरी पेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसी नेत्र का निकट बिंदु है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर मीटर, या फिर देखो मीटर मीटर का ध्यान रहे, सेंटीमीटर मीटर, ठीक है ना। तो बता दो किसी नेत्र का जो निकट बिंदु होता है कितना होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा, कर लिया होगा चूज आपने। जी हाँ बिल्कुल, 25 सेंटीमीटर होता है निकट बिंदु, और दूर बिंदु पूछे तो फिर इम्फिनाइट, राइट, इम्फिनाइट यानी कि अनंत। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्ती द्वार की भांति, द्रक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, या फिर अन्य। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? सो राइट ऑप्शन परिवर्ती द्वार की भांति, ठीक है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर होता है, अनंत पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अनंत, ठीक है, इंफिनाइट। अगला क्वेश्चन, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी, वास्तविक, दोनों, सभी कितन सकते हैं। राइट ऑप्शन वास्तविक प्रतिबिंब। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? पीला, बैंगनी, नीला। बच्चों वाला क्वेश्चन है, आ गया होगा सबको अगर ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन क्यों होता है तो आप बता सकते हो क्या? क्योंकि इसमें आवर्तिका और तरंग दैर्ध्य का फंडामेंटल निकलेगा बहुत बड़ा। सो ये तो सबको पता है कि लाल रंग होता है, बट क्यों होता है ये तो आपको पता होगा कि तरंग दैर्ध्य का आवर्तिका क्या होता है, कम होती है कि अधिक होती है, बताओ, कमेंट करके बताना है आपको क्यों होता है लाल का, क्यों होता है ये तो आपने जाना कि लाल का होता है, बट क्यों होता है, जो बताएगा वही सिकंदर। किलोवाट घंटा मात्रक है, आवेश का, आवेश का विद्युत, ऊर्जा का, विभांतर, या फिर शक्ति का। किलोवाट घंटा,
राइट ऑप्शन ऊर्जा का, ठीक है, एनर्जी का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तांबे का, प्लेटिनियम का, टंगस्टन का, इनमें से कोई नहीं। विद्युत बल्ब देखा होगा आपने, पहले लगा रहता था, आजकल तो LED आने लग गए, बट पहले आता था ना येलो कलर का जलता था, तो उसमें का फिलामेंट किसका होता था, लेट मी चेक, टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। क्यों होता था बताओ, कि टंगस्टन का तो होता लेकिन क्यों होता था? अब इसमें लिखेगा गलनांक का चक्कर, ठीक है, गलनांक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रतिरोधकता का मात्रक है, ओम मीटर, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बहुत अंतर होता है, और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बहुत अलग है, बहुत ही रात दिन का अंतर है, क्योंकि प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है ये आपको पता होना चाहिए, प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करती है ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो मात्रक तो आप बता ही दोगे किसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर ही होता है, तो हर बच्चे को पता है, बट क्या आपको पता है कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध चालक के लंबाई पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? बट क्या प्रतिरोधकता भी चालक की लंबाई पर निर्भर करती है, क्या उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, या फिर उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है कि किसका बना हुआ होता है, ठीक है, पता है कि नहीं है? नहीं है तो हम आपको बता देते। देखो प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस, वो तो चालक की क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर भी करता है, ठीक है, बट प्रतिरोधकता उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं कि किसका वो बना हुआ है, ये बात ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनरेटर या फिर मीटर। तो राइट ऑप्शन जनरेटर, यानी कि जनरेटर सब जानते हो ना वो होती है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, डीपॉक्स लेंस, बेलनाकार लेंस। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो राइट ऑप्शन जगह आपका अवतल लेंस, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल अवतल लेंस। अगला, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, अवतल लेंस, डीपॉक्स लेंस, उत्तल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तल लेंस। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है, बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन छोटा, ठीक है, क्या हो जाता है, छोटा। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, छोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है बताइए, क्यों हो जाता है गाइज, कौन करता है छोटा इसको? आयरिस करता है, ताकि लिमिटेड ही प्रकाश अंदर जा सके। दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है, निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तु को, दूर की वस्तु को, या फिर इनमें से कोई नहीं। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें, मान लो किसी को दूरदृष्टि दोष रोग हो रखा है, तो वो क्या देख सकता है, साफ वस्तु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूँ भी बन सकता है कि अलग तरीके से, कि दूर दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति किन चीज़ों को साफ दे सकता है, या फिर यूँ भी बन सकता है कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दोनों के लिए, दोनों के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, राइट। दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, ठीक है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है, उसे कहते हैं पित बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु, दूर बिंदु। तो राइट ऑप्शन अंध बिंदु, ठीक है। मानव नेत्र में होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल लेंस है, मानव नेत्र में होता है। सो राइट ऑप्शन इज उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, लाल, नीला, बच्चों वाला क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन लाल, बट थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगा लो तो बेस्ट रहेगा, क्यों दिखाई देता है लाल, अब बताओ,
फिर वही फंडा लगाओ अपवर्तन का, पूर्णांतरिक परावर्तन का, ठीक है। थोड़ा सा आगे आपको सोचना है, देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, क्यों दिखाई देता है, ये तो बन एक बार पिछली बार भी बन चुका है ना। चलते आगे और अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट। तो राइट ऑप्शन 2 मिनट। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक, कृत्रिम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान में सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है, लाल, काला, पीला, नीला। तो राइट ऑप्शन काला, ठीक है। क्यों दिखाई देता है गाइस, क्योंकि अपवर्तन नहीं होता है ना वहाँ, इसलिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता हुआ है, बताओ। सो वो है रेटिना, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो राइट ऑप्शन इज टेस्ला, ये होता है, ठीक है, टेस्ला। डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज दिष्ट धारा, यानी कि डीसी। व्यावसायिक मोटर में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है, अस्थायी चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक, सामान्य छड़ चुंबक, विद्युत चुंबक, ठीक है, विद्युत चुंबक का। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है, हाथ और पैर, मांसपेशियां तथा हृदय, हृदय तथा मस्तिष्क, नेत्र तथा रक्त तंत्रिका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच लिया होगा। राइट ऑप्शन हृदय तथा मस्तिष्क, जी हाँ बिल्कुल, हृदय तथा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होता है, इस्पात, नरम लोहा, पित्तल, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन नरम लोहा, नरम लोहा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, एम्पियर ने। राइट ऑप्शन फैराडे ने। चलते आगे और अगला क्वेश्चन, नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हैं तो आवश्यक है क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हैं तो आवश्यक है, क्या आवश्यक है, नेसेसरी कौन सा है गाइस। सो वो है आपका यूरेनियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिक विखंडन, नाभिक संलयन से तो आता ही आता है क्वेश्चन, अर्धायु काल यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आता है। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेशी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, पेशी ऊर्जा। और ये भी क्वेश्चन अगर आपको कम लग रहे हो तो आपको पता है कि एक और चैनल है, जेक्लोन जॉब चैनल, जिसका लिंक हम हमेशा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख के रख दें, ताकि आप उसको फॉलो कर लो। और वहाँ से थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चन, ये तो ईजी है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, और वो थोड़े हार्ड लेवल के, तो वहाँ से भी आप डिस्कस कर सकते हो, लिंक हमने नीचे दे रखा है, ठीक है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किससे माना जाता है, कोयला, परमाणु, जल, सूर्य, सूर्य। इनमें से कौन नवीनीकरण ऊर्जा है, कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। देखो नवीनीकरण और अनवीनीकरण, जानते हो ना क्या होता है, एक होता है समाप्य, एक होता है असमाप्य। तो बताओ कौन सा है निम्न में से नवीनीकरण ऊर्जा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सौर ऊर्जा। नवीनीकरण कौन सा है, सौर ऊर्जा। देखो नवीनीकरण यानी कि असमाप्य, अ लग जाएगा इसमें, यहाँ पर अ लगा हुआ नहीं, बट यहाँ समाप्य के अ लग जाएगा। अगर मान लो यहाँ अनवीनीकरण पूछता तो फिर अट जाता, समाप्य रह जाता, समाप्त होने वाली चीज़ें, बट यहाँ पर नवीनीकरण यानी कि जो समाप्त नहीं हो सकती वो है सौर ऊर्जा। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है, सूर्य, लकड़ी, चंद्रमा,
या फिर कोयला। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत तो वो है आपका सूर्य, सन। डेनमार्क को कहा जाता है, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो आपने, उद्योगों का देश, जल विद्युत का देश, पवनों का देश, खनिज पदार्थों का देश। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पवनों का देश। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, स्टील, सिलिकॉन, अभ्रक, सीसा। सौर सेल बनाने के लिए तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिलिकॉन। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा पर रूपांतरित करते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी, कोयला। सीएनजी किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, सीएनजी। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन से, स्टोमेटा, जड़, हरित लवक, पत्ती। वो है आपका हरित लवक, प्रकाश संश्लेषी अंगक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एग्जाम नजदीक है तो और ज्यादा क्वेश्चन कर ले तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है, वाट, जूल, न्यूटन, एम्पियर। राइट ऑप्शन जूल। देखो गाइज, अगर अभी तक आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर हम पोस्ट डालते रहते हैं। तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और कोई भी जवाब हो तो वहीं पूछ लिया करो फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तुरंत जवाब आपको मिल जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है, समय की, द्रव्यमान की, दूरी की, इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन इज दूरी की। ठीक है, प्रकाश वर्ष। पारसेक इकाई है, द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की, या फिर दूरी की। पारसेक वो है आपकी दूरी की। हम चाहते हैं आपको अधिक क्वेश्चन मिले, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बट आपका लाइक्स हमको मोटिवेट कर देता है। निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन प्रकाश वर्ष। दाब का मात्रक है, डाइन, जूल, वाट, पास्कल। राइट ऑप्शन पास्कल। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ऑप्टर, कैंडला, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं, कैंडला। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, 1965, 1971, 1991, 1985। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो वो की गई थी 1971। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, जूल, कैलोरी, अर्ग, इनमें से कोई नहीं, खाद्य ऊर्जा को, तो राइट ऑप्शन कैलोरीज में। ठीक है ना, कैलोरीज में। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो राइट ऑप्शन इज एम्पियर। ठीक है ना, एम्पियर। अगला क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक दे रखे गए आपके लिए, जाके वैसे देखना वीडियो के बाद, डिस्क्रिप्शन में लिंक, बहुत सारे लिंक। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, जी हाँ बिल्कुल, लेंस की शक्ति की इकाई एसआई पत्ती में, वाट, ऑप्टर, डायोप्टर, न्यूटन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो गाइस जो है डायोप्टर। हार्ड क्वेश्चन के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।